एजुकेशन कंप्लीट करी, एमबीए की डिग्री ली, इसमें मिक्स मार्शल आर्ट सीखने लगा, उसमें ब्लैक बेल्ट ली, एयर राइफल शूटिंग नेशनल्स खेला उसमें। ये वो वाला टाइम भी था जब मैं सोच रहा था कि बगैर प्रमोशन के कुछ चलता नहीं है, हमको पैसा लगाना पड़ेगा, बड़े लोगों का हमारा झंडा उठाना पड़ेगा, तभी कुछ शायद आगे लाइफ में हो पाएगी। मेरा जो एक भ्रम था कि प्रमोशन चाहिए और चकाचौंध चाहिए एक आर्टिस्ट बनने के लिए, वो भ्रम टूट गया। अगर भीड़ में नहीं खोना चाहता कलाकार, तो उसको अपने अंदर झांकना है, बाहर नहीं जाना। दिल का दरिया बह ही गया, राह में जो तू मिल गया, मुश्किल से मैं संभला था, टूट गया फिर एक दफा, बात बिगड़ी है इस कदर, दिल है टूटा, टूटे हैं तेरे बिन न लेंगे कभी दम, तुझे कितना चाहे और हम, है काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर। हेलो एंड वेलकम टू एलओएल पॉडकास्ट, और आज हमारे साथ है जुबिन भाई। आज का पॉडकास्ट तो आई एम श्योर बहुत ज़्यादा सुरमई होने वाला है। अगर आप म्यूजिक लवर हैं, आपको गाने पसंद है, तो आज का पॉडकास्ट आपके लिए है। आप यहाँ आने वाले थे, हमारा पूरा ऑफिस आपका वेट कर रहा है, और जैसे ही आप एंटर हुए किसी की आवाज़ नहीं निकली, सब ऐसे थे कि मैं फोटो मेरी, जैसे ही वो अंदर आए ना मेरी फोटो खींच देना भाई मेरी, और जैसे आप अंदर आए और आप लंबे बहुत हो, तो हमारे बाकी सारा 5 मीटर का ही कपड़ा है नीचे, तो ये 6.5 मीटर कपड़ा आया अचानक से अंदर, तो जैसे सारे ना ऐसे हो गए कि ऊपर ऊपर से चले गए, और बेचारे वो सारे ऐसे थे। बात शुरू करने से पहले मैं एक बात बोलूंगी कि आज हमारा बच्चा 1.5 साल का है, जब वो 2-3 महीने का था तब से लेके आज तक वो भजन सुनता है, और जैसे अपना जया किशोरी जी है उनका भजन सुनता है, आपका है मेरे घर राम आए हैं, वो 1.5 साल का बच्चा वो गाना सुन सुन के, वो भजन सुन सुन के वो बड़ा हुआ है। आज भी जब वो रो रहा था ना, तो टैं 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 म्यूजिक बजता है ना, तो वैसे देखने लग जाता है सब, और इतना अच्छा लगता है ना, बहुत ब्लेसिंग देती हूँ मैं तब आपको। थैंक यू, थैंक यू सो मच। कैसे सफर शुरू किया भाई आपने? एक्चुअली संगीत में ही आना था, ये बात तय हो गई थी कम उम्र में। पिताजी मेरे इनकम टैक्स में ऑफिसर थे यहाँ पर, तो मैं पैदा नहीं हुआ था, तो वो एक टाइम था जो बॉम्बे में उन्होंने एक्सपीरियंस करा म्यूज़िक का। किशोर दा, रफ़ी साहब के बड़े फ़ैन थे पापा, वो टाइम था जब लोग किताबें खोलते थे और उसमें लिखते थे लिरिक्स और रखते थे अपने पास, कैसेट्स होते थे, बट उनको कैसेट्स को जब पैकिंग होती थी ट्रैवलिंग के लिए, तो बहुत सारे कैसेट्स नहीं ले जा सकते, म्यूज़िक वॉज लिमिटेड, सो आप 5-7 अपने फेवरेट कैसेट्स लेकर के साथ में ट्रैवल करते थे। सो वो टाइम मुझे लगता है म्यूज़िक का बहुत पैशनेट टाइम था, जब लोग बहुत पैशनेटली म्यूज़िक फॉलो करते थे, तो वहाँ से उनको आया कि यार ये सिंगर, इसको सिंगर बनाना है मुझे, ऐसा। तो 4 साल की उम्र से उन्होंने डाल दिया मुझे कि सीखो। अच्छा बदमाश था मैं बहुत ज़्यादा, खिलौने सारे तोड़ देता था अपने, मेरी बहन की बारबी की डॉल्स होती थी, उनकी गर्दन वर्दन, बाल काटते काटते गर्दन काट देता था, तो मम्मी जो है घबरा गई कि मम्मी ने कहा कहीं ऐसा तो नहीं टेररिस्ट पैदा कर दिया तो उसमें फिर उन्होंने कहा कि चलिए इसको संगीत से जोड़ते हैं। फिर वहाँ से ऐसी एक कुछ शायद कुछ पीस आ गया, कुछ कामनेस आ गई बॉडी में, शरीर में, माइंड में, कि तब से फिर इसी ट्रैक पे लग गया मैं। कभी कभी यार माँ बाप भी आपको कला की तरफ ऐसा मोड़ देते हैं कि आपकी ज़िंदगी बन जाती है। जी जी, क्या बात है। माँ बाप का ही है मेरे लिए, तो खैर माँ बाप ने पूरा सपोर्ट करा। देखिए बम्बई आना, यहाँ पे खर्चे होते हैं, 10 चीज़ें होती हैं, इट्स नॉट ईजी, और देहरादून जैसे छोटे शहर से बम्बई जैसी नगरी बहुत, जितनी है नहीं उससे भी बहुत ज़्यादा दूर दिखती है और बड़ी दिखती है, तो वो साहस कर पाना कि अपने बच्चों को भेजना है वहाँ पर किसी चीज़ को फॉलो करने के लिए, वो बहुत बड़ा एक स्टेप था, पेरेंट्स ने लिया, ब्रेवरी दिखाई, तो आज
मौका मिल रहा है गाने। पर जब बचपन में आपके पापा ने कहा कि इनको गाना गवाते हैं, इनको गाने में डालते हैं, तो कभी कभी पेरेंट्स बोलते थे ना ये डॉक्टर बनेगा, तो हमको होता कि मेरे को जब बनना ही बड़े होके गुब्बारे भेजने हैं तो ये डॉक्टर क्यों बनाई जा रहे हैं। तो जब मतलब आप अच्छे बच्चे थे, मुझे लगता है एक एंग्शियस माइंड जो होता है ना, वो जब उसको कुछ भी ऐसा करता है जिससे उसकी एंग्जाइटी खत्म होती है तो फिर वो अपने आप ही उस तरफ चलने लगता है। तो शायद मैं एक एंग्शियस बच्चा था, हमेशा कुछ ना कुछ करना है, कुछ खुरापात करनी है, कुछ ढूंढना है, कुछ तोड़ना है, तो दैट लेड टू समथिंग ऐसा। बचपन में जो बारबियों की गर्दन काटते थे, अब गाना गा के बारबियों का दिल जीत लेते हैं। मतलब उसके बाद आपने गाना आपने सीखा, बचपन से सीखते आए? जी सीखा। फिर ऐसा नहीं है कि मैंने और चीज़ें नहीं करी बीच में। मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी, एमबीए की डिग्री ली। अच्छा, एमबीए हो? जी, बीच में मिक्स मार्शल आर्ट सीखने लगा, उसमें ब्लैक बेल्ट ली, फिर एमएमए। हाँ जी, ये कद काठी के साथ मुक्का मार दे बंदा मर जाएगा। हाँ, जिसके साथ मैच होगा वो कहता था मैं हार गया, मेरा पहले ही ले लो। शूटिंग, एयर राइफल शूटिंग नेशनल्स खेला हूँ उसमें, और डिस्कस विस्कस शॉटपट काफी चीजें करी। राइफल शूटर भी हो? हाँ जी, हाँ जी। अरे क्या बात, नेशनल खेली हो? अरे क्या खेली हुई है? मैं राइफल शूटिंग, आप पिस्टल करते थे कि राइफल? मैं एयर राइफल। मैं भी राइफल वाली हूँ, पूरे कपड़े वो ये पूरा उसका सूट पहन के पूरा ये करके। और मैंने आर्चरी भी की हुई है, तीरंदाजी, उसमें भी मैं नेशनल खेली हूँ। क्या बात, कोई जब बोलता है ना तो भाई देखिए, ये पता नहीं था हमको आपके बारे में। क्या बात, हमको भी नहीं पता था भाई। ये फर्स्ट टाइम मैं किसी शूटर से मिला हूँ साथ में एक्चुअली इंडस्ट्री ये yes। मतलब भारती तो अभी जाती भी है। मैंने शुरू कर दिया भाई सीखने, और मैं राइफल मंगवा रही हूँ अपनी। अच्छा। क्योंकि तब जब आता था तब पैसे नहीं थे, आज पैसे है तो टाइम नहीं है, बट मैंने फिर भी राइफल मंगवा ली है और मैं अभी अपनी खुद की एयर राइफल से शूट कर। आप घर कौन सी रेंज में जाते शूट? इधर गोरेगांव में भाई। अरे लवली यार, मुझे बताओ, आई वुड लव टू। 6 मंथ का आप ले लो, जब भी आपका मन करे उधर राइफल भी पड़ी होती है। आपने अपनी राइफल से करना या उनकी राइफल से हो तो प्रॉपर प्रोफेशनल वाली, जिसमें पूरी ग्रिप लगा करके, पूरा ग्रिप पूरा ये करके, उसके जूते भी आते लग। यस यस यस, पूरे लेंस को जोड़ के वो करके जी। आहा, क्या बात, वी आर शूटर। सो गाइस, पॉडकास्ट नहीं करते हम, ओलंपिक्स की बात करते हैं। तो जब मैंने 98 में इंडिया को रिप्रेजेंट किया, बट यार दो शूटर्स एक साथ मिले हैं, क्या बात भाई, मतलब ये तो कमाल की बात हो गया। अरे क्या बात। हाँ, और शूटर आदमी कलाकार कैसे हो सकता है? बिकॉज शूटर का काम ही है कि हिलना नहीं, और कलाकार इतना ज्यादा हिला हुआ होता है वो। शायद मुझे लगता है पेरेंट्स ना डालते गए सब ऐसी जगह जहाँ थोड़ी स्थिरता है लाइफ में। अभी मिक्स मार्शल आर्ट करे तो अग्रेशन निकल जाएगा। यस, और राइफल शूटिंग में भी आप अगर इधर से फ्री नहीं हो ना तो आपका लगेगा ही नहीं फोकस, मतलब सांस का और कॉल का यस कॉम्बिनेशन है आपका। सांस का, ब्रीथ का पूरा कंट्रोल करो फिर गोली। बट आप भाई सारे ऐसे वाले कामों में गए जिसमें आप काम होते गए, मार्शल आर्ट, राइफल शूटिंग, सिंगिंग, मार्शल आर्ट तो सुन के, और वो भी एमए में, मिक्स मार्शल आर्ट, मतलब एमबीए भी और एमबीए भी, सर्वगुण संपन्न यार। मतलब आपको रिश्ते तो बड़े आते होंगे। हाँ वो तो, हाँ वो एक चल रही है आजकल। कितनी चले जाते हैं पहाड़ में, इसीलिए कोई लड़की पहाड़ तक चढ़ ही ना पाए। लेकिन अगर रात भर कोई आ गई ना डंडा ले लेके पहाड़ पे बर्फ। लेकिन जुबिन भाई ये बात तो तय है कि जयमाला में टाइम बहुत लगेगा, क्योंकि वो बेचारी जो भी हुई करती रहेगी, फिर एंड में रस्सी देके वो खुद पहाड़ पे डालते हैं। तो आप तो ऐसे ही कर दोगे। और भाई भी सारे लंबे लंबे हैं, तो छह छह फुट की हैं मेरे सारे भाई। तो वैसे तो मेरे सगी बस दो बड़ी बहनें हैं, पर वैसे परिवार में हमारे बहुत सारे कजन हैं, सारे सब लंबे लंबे हैं। क्या जिन्हें छोटे वाले नहीं है? छोटे वाले वाले है ही नहीं। नहीं है कुछ छोटे वाले, पांच वाले तक है, पांच पांच फुट तक नहीं, पांच नहीं, पांच से तो ऊपर, पांच से तो ऊपर ही, फाइव 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 सिक्स। अच्छा, सब लंबे लंबे। आपके घर में मम्मी लंबे है कि पापा? दोनों लंबे हैं, पापा मेरे 6 फुट के हैं और मम्मा मेरी 5'8". तो आप मुंबई आए और एक्स फैक्टर नाम का एक रियलिटी शो में आपने पार्टिसिपेट किया, वो क्या स्टोरी थी? सबको समझ में आ गया था कि सब कुछ ट्राई करने के बावजूद संगीत ही करना चाहते हैं। अब माता पिता को ना यहाँ कोई गॉडफादर ना ऐसे कोई रिलेशंस यहाँ पे, कैसे करें? तो उस वक्त रियलिटी शोज का बहुत बड़ा एक ट्रेंड चला था, और ये नया रियलिटी शो आया था जिसमें सिर्फ सिंगिंग नहीं थी, उसमें ओवरऑल प्रेजेंटेशन ऑफ म्यूजिक था। तो पिताजी ने बोला कि चलते हैं देखते हैं क्या है। इतने स्वीट मेरे पेरेंट्स, वो मेरे साथ लाइनों में खड़े रहे वहाँ पे, फुल जो तो ना इतने सारी हजारों लोगों की लाइन में, दे वर स्टैंडिंग विद मी कि चलो विल गो विल सी क्या होता है। तो गए हम लोग, कुछ इंटरव्यूज भी हमारे लाइन में, पापा कह रहे हैं कि मैं ही वही सबसे बड़ा फैन तो मैं हूँ उसका। पर उस लाइन में खड़े होके मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार बहुत अच्छे सिंगर्स हैं,
मेरे आगे भी जितने खड़े हैं जो मेरे पीछे भी खड़े हैं सब मेरे से बेटर गा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे अंदर जाके भी क्या करूँगा। खैर अंदर गए, वहाँ पर अंदर जाके रियलाइज़ हुआ कि रियलिटी शो में उस राउंड में तो पास हो गया था मैं, बट इवेंचुअली आगे नहीं बढ़ पाया शो में टूवर्ड्स द एंड। पर वो शायद मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग इन डिसगाइज भी रही, क्योंकि अगर शायद मैं उसमें आगे बढ़ जाता तो फिर मैं इसमें आगे शायद ना बढ़ पाता, मुझे ऐसा लगता। कुछ एक चाहिए होता है, मुझे लगता ना एक कुछ चीज़ चाहिए होती है कि आपको नीचे दबाएं ताकि फिर आप स्प्रिंग की तरह ऊपर और लंबी छलांग लगा सकें। और वो एक ऐसा मोमेंट था जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार अब देखो आप अपने शहर में होते हो तो घर वाले तो सब बोलते हैं अरे बेटा क्या गा रहा है, दोस्त भी बोलते हैं क्या गा रहा है, सब चढ़ा देते हैं, हवा में चढ़ा देते हैं। पर जब आप ऐसी भीड़ में खड़े होते हो जहाँ पे आप जानते नहीं हो किसी को और इतने बड़े मंच पे आप जाते हो, तो आपको रियलाइज़ होता है कि आप कहाँ हो लाइफ में और आप क्या कर रहे हो। वो मुझे रियलाइज़ हुआ और फिर उसके बाद वहाँ से एक्चुअली मेरी एक अलग किस्म की मेहनत शुरू हुई कि यार अभी अगर माता पिता ने भी देख लिया है कि अभी सिंगिंग करनी है, खुद भी सोच लिया, तो आई हैव टू पुट इन मोर आवर्स, ज़्यादा वक्त देना पड़ेगा और ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ेंगी। बस फिर वो उसके बाद फिर रुकी नहीं, उसके बाद तो फिर तैयारी शुरू करी। यस ये ना मैंने स्टीव जॉब्स की भी एक स्पीच थी जो भारती को भी मैं सुना रहा था, उसमें उसने 11 मिनट की बहुत फेमस स्पीच है, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने रिकमेंड किया है, मैं भी रिकमेंड करूँगा कि अगर लाइफ में किसी को कुछ आगे बढ़ना है तो प्लीज़ मैं लिंक दे दूंगा नीचे, वो स्टीव जॉब की वो स्पीच आप देख लो। उस स्पीच में उसने अपने हर फेलियर के बारे में बताया और उसने बताया कि ये फेलियर से मुझे कैसे फ़ायदा हुआ और हर एक फेलियर से दुनिया को कुछ मिला है, लाइक दुनिया को पहला टच स्क्रीन मिला उसके फेलियर से, सो ही हैज कनेक्टेड ऑल दोस थिंग्स। तो आई थिंक मेरे को लगता है फेलियर जो बड़े बूढ़े कह गए ना कि अरे फेलियर बहुत ज़रूरी, वो सच में ज़रूरी है, क्योंकि इंसान बहुत वल्नरेबल होता है मुझे लगता है, उसको जब सब मिलने लगता है तो उसको फिर उसकी कदर रहती नहीं है, ये इंसान है, इंसान का बेसिक नेचर ऐसा है। तो थोड़ा सा कश्मकश ना ज़िंदगी के साथ लगी रहनी चाहिए, जिसमें कुछ ज़िंदगी खींच ले हमसे और कुछ हम खींच लें ज़िंदगी से, तो फिर बात बन जाती है। अभी कुछ टाइम से मैं आपके बहुत सारे गाने सुन रहा हूँ और वो सारे रिलीजियस सॉन्ग हैं। हाँ जी। और एक मेन स्ट्रीम सिंगर रिलीजियस गाने बहुत कम गाते हैं। और इतना हैंडसम लड़का टीका लगा के मेरे घर रामा है, ऐसा बताओ भाई एकदम भगवान में श्रद्धा भक्ति में कैसे चले गए? कोई धोखा मिला प्यार में, या किसी ने मना कर दिया, या किसी ने कहा नहीं जुबिन मैं किसी और से प्यार करती हूँ, ऐसा क्या हुआ है कि आप भजन गाते हो बड़े दिल से और इतना मीठा? मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान तो नहीं प्रकट हो जाते जब आप गाते हो, क्योंकि सच में गले में तो सरस्वती है। तो बचपन में माता पिता ना दोहे सुनाते थे, दोहे लगते थे गानों, तो शुरू शुरू में जब टी सीरीज मैंने ज्वाइन करा वहाँ पर उनके साथ काम करने लगा क्लोजली, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि टी सीरीज़ की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आज तक रही है वो डिवोशनल रही है। उन्होंने सबसे मतलब देश को बार बार दिया डिवोशनल म्यूज़िक, और बहुत समय से डिवोशनल हुआ नहीं था, तो टी सीरीज़ ने मुझे बोला कि आपको कुछ डिवोशनल ट्राई करना है, करना चाहिए आपको। मैंने कहा करते हैं, तो उन्होंने कहा क्या करेंगे। सो राज आशू एक हमारे भाई है, उन्होंने दोहों के ऊपर कंपोजिशन करी और हमने दोहे गाए, वो बहुत सारे दोहे हैं उसमें, बहुत लंबा वीडियो है, लेकिन लोगों को इतना पसंद आया क्योंकि शायद लॉकडाउन में ना एक नीड भी थी इसकी। सब घर पे परेशान हैं, डरे हुए हैं, कुछ लोग के जानकार बीमार हैं, कुछ लोग के जानकार चले गए हैं, और अपने बाकी जानकारों की इतनी फिक्र है कि क्या है क्या नहीं, तो टफ टाइम था वो। तो मैंने कहा कि यार इस वक्त रोमांटिक गाना तो किसी के समझ नहीं आएगा, सैड सॉन्ग थोड़ा बहुत समझ में आ रहे हैं लोगों के, लेकिन जब हमने डिवोशनल निकाला उसका ऐसा इम्पैक्ट आया कि उसके बाद फिर मैंने डिसाइड करा कि मैंने कहा चलिए अब डिवोशनल कुछ स्टार्ट करते हैं। और करते करते पायल कंपोज़र हैं गाने की मेरे घर राम की, पायल देव और मनोज जी लिखते हैं और आदित्य प्रोड्यूस करते हैं, मैं गाता हूँ, तो हमारी टीम बन गई। उसके बाद हमने बैक टू बैक भजन निकाले और आज की डेट में देखिए बहुत गर्व की बात है कि सबसे बड़े गाने देश में अगर आप देखें जिनके पीछे कोई ऐसा बहुत बड़े स्टार नहीं है, जिनके पीछे बहुत बड़ा प्रमोशन नहीं है, जिसमें वैसे कोई बहुत बड़े बजट नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा जो चल रहे हैं गाने वो डिवोशनल हैं। और ये जो कुछ गाने हमने बनाए, 21 तारीख को भी मेरा एक और डिवोशनल गाना मैं निकाल रहा हूँ, वो भी आप लोग को बहुत पसंद आएगा। वो गाना तो डेफिनेटली बिकॉज हमने अभी सुना है जी, और वो गाना सच्ची मतलब कैसे कहूँ, मतलब एक होता है ना कि जब आपको बस अकेले में शांति से वो सुनना है, आपको अपने जीवन के सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। क्या बात, बिल्कुल बिल्कुल। और हमने अभी पॉडकास्ट से पहले वो सुना,
और शर्म भी आई कहने में कि वो दे सकते हैं गाना, क्योंकि वो अभी रिलीज नहीं हुआ, बट जब आप पॉडकास्ट देखेंगे तब तक वो रिलीज क्या हिट हो चुका होगा। मुझे लगता है हिट तभी होता है जब लोग उसको बार बार सुनते हैं और मन नहीं भरता। जैसे आपका राम, वो अभी तक मतलब अभी भी बजता है, शायद अभी बज भी गया होगा घर में दो बार, सो अभी भी है। तो मुझे लगता है कि ये भजन भी भाई ऐसे ही होने वाला है। एक टाइम था जब मैं कॉलेज में था, तो उस वक्त मेरे साथ एक ऐसा कुछ घटा था जिस वजह से मैंने अपनी लाइफ में एक उद्देश्य बनाया कि मैं ना लिरिक्स हमेशा मैं श्योर रहूंगा कि मैं क्या गा रहा हूँ लिरिक्स का, उसमें मैसेज क्लियर होना चाहिए, छेड़छाड़ भी हो तो एक सादगी के साथ हो। तो वो मेरे साथ ये हुआ कि एक छोटा सा बच्चा बेसिकली रैप सुनाने लग गया मुझे कुछ आकर के ना, और उसको पता नहीं है कि वो क्या बोल रहा है रैप में, और वो लगा पड़ा है और फुल इमोशन के साथ। उसकी परफॉर्मेंस को मैं 100 दूंगा बेसिकली, जिस तरह से उसने उस पर परफॉर्म करा गाने पर, बट उसको नहीं पता था कि वो क्या बोल रहा है। तो वो मेरे साथ बैठ गई मेरे दिमाग में बात। मैंने कहा ये ऐसा नहीं, ये गलत है, ये मतलब अगर आर्ट को अगर इस तरह इस डायरेक्शन में जा रही है आर्ट तो सही नहीं है, मतलब हम लोग के लिए, हम आर्टिस्ट के लिए मतलब एक बहुत शर्म की बात है। सो वहाँ मैंने उसको बनाया। तो आज अगर आप बोलते हो कि आपके बच्चे ये सुन रहे हैं, मेरे घर राम सुन रहे हैं, और उससे उनको शांति मिल रही है, उससे उनको मजा आ रहा है, सो मेरे लिए ये दिस इज़ लाइक माई लाइफ गोल बेसिकली। मुझे लगता है आई हैव कंप्लीटेड माय लाइफ। मतलब मुझे लगता है कि हमारा बेटा जब बड़ा होगा ना, और बचपन में कभी कुछ ऐसी धुनें होती जो बड़े भी होते ना, तो आपको होता है क्या था इसका, आप ऐसे करने लग जाते हो। तो मुझे लगता है गोला बड़ा होके भी जब ये भजन बजेगा ना, तो उसको कुछ ना कुछ याद आएगा कि ये बचपन में मैंने बहुत सुना है। सीरियसली भाई, रिलीजियस सॉन्ग्स तो आप इतने कमाल के आपने किए ही है। जब आप फिल्म में भी गाते हो, और आपका मतलब फर्स्ट तो मैं नहीं गाऊंगा, लेकिन वो गाना, और मैंने एक रील देखी जिसमें आप ऐसे खड़े हो और आपने गाया दिल का दरिया, क्या बात, और उसके बाद मैंने जो चीख सुनी ना लोगों की, वो चीख आपको ना ऐसा होता है कि यार क्या बात है यार, इतनी भीड़, इतना पागलपन, वो दौर कैसा था भाई? ऑनेस्टली वो एक ऐसी मोमेंट थी जिसके लिए कलाकार अपनी पूरी लाइफ अपनी कला में डाल देता। वो ऐसी मोमेंट है कि आप खड़े हैं मतलब आप इतनी मेहनत करते हो अपनी लाइफ में, एक एक चीज़ पे इतना काम करते हो, एंड आप दोनों इतने अच्छे कलाकार हैं, आप लोग इस बात से रेजोनेट करेंगे कि ये कला सिर्फ उस वक्त की नहीं है जो हम एक घंटा कैमरे के सामने हैं और कुछ कर रहे हैं, इसके पीछे सालों की शिद्दत है, सालों की मेहनत है, सालों का एक्सपीरियंस है। तो जब वो सब कुछ कल्मिनेट करके एक ऐसी मोमेंट के ऊपर आता है कि आप स्टेज पे हो, और अब जिनके लिए आपने इतनी मेहनत करी हो आपके सामने है सबके सब, और वो सुन रहे हैं, और उस वक्त आप उनके लिए गा रहे हो, एंड आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके भगवान भी आपके साथ है। I think that is the moment we live for as artists, and वो मैंने experience करी IIT रुड़की में। वो IIT रुड़की का स्टेज था, और स्टेज से पहले मैंने सोचा था कि यार आज परफॉर्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग बैक टू बैक बहुत सारे शोज कर चुके थे और गला नहीं चल रहा था जस्ट बिफोर दैट शो। और मेरे मैनेजर साहब मेरे बड़े भाई भी हैं, और हम लोग म्यूजिक भी साथ बनाते हैं, रॉकी जी, रॉकी भाई आए। रॉकी भाई ने मुझे बोला कि यार 50-60 हज़ार जनता खड़ी है, बाहर आओ, शो करना पड़ेगा अभी। मैंने कहा भाई गले से आवाज़ नहीं निकल रही। तो उन्होंने कहा चलो मैं आधा एक घंटा डिले करता हूँ, सो जाओ, एक नैप ले लो, और उसके बाद आकर के शो करना पड़ेगा, वरना बहुत मारी जनता। 40-50 मतलब एक बंदा भी, एक 10,000 बंदा भी एक को पकड़ ले, माइंड ब्लोइंग होगा। पूरा स्टेज वेज सब हम लोग सारे गायब हो जाते हैं अगर जनता थी वहाँ, मतलब इट वॉज शेकिंग बेसिकली। तो मैं आधा एक घंटा मैंने थोड़ा ध्यान लगाया, उसके बाद गया स्टेज पर, फिर सीधा दिल का दे हो एनो सीधा वहां से सीधा वहां पर पहुंच गई बात। और पता नहीं मुझे भी, हम लोग को नहीं रियलाइज हुआ कि वो क्या हुआ, वो तो मोमेंट में फील करके बनाया किसी ने, करने वाले को नहीं पता लगता, क्योंकि वो तो उस मोमेंट में होता है, जो देख रहा होता है ना उसको लगता है अरे बाप रे ये क्या कर दिया यार। और उस वक्त नया नया गाना आया था कबीर सिंह फिल्म में, अच्छा वो गाना प्रमोशन में था भी नहीं, वो पिक्चर का गाना था, और पिक्चर के अंदर बाद में आया ना, वो बाद में पता चला, बाद में आया लोगों को, लेकिन बट जब फिर आया उसके बाद इट टुक एवरीथिंग बाय स्टॉर्म। आज वन ऑफ माय बिगेस्ट सॉन्ग्स, सच में हम कह भी नहीं सकते अभी गाओ, क्योंकि राइट्स आ जाएंगे ना, फिर कॉपीराइट आ जाएगा, इसीलिए कह ही नहीं सकते। हम चाहते हैं भाई आप खुद के गाने बनाओ जिसको हम इतना गवाएं है ना, कोई राइट्स ही ना आए 100% नहीं नहीं। और आई एम श्योर आज के इस पॉडकास्ट में हम कुछ गाने भी सुनने वाले हैं, यस, जो भाई के खुद के गाने हैं जिसके आप खुद मालिक हो। बिल्कुल ये वो वाला टाइम भी था जब मैं सोच रहा था कि बगैर प्रमोशन के कुछ चलता नहीं है, हमको पैसा लगाना पड़ेगा, बड़े लोगों को हमारा झंडा उठाना पड़ेगा, तभी कुछ शायद आगे लाइफ में हो पाएगी।
तो मैं अक्सर पूछता था, मैंने कहा बड़े गाने भी गा दी लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा लाइफ में ना, मतलब कि सिंगर वाली फीलिंग नहीं आ रही। तो उस वक्त ये भी गाना आया था, मैंने कहा कबीर सिंह में बड़ी पिक्चर है, हिट भी हो रही है, पर फिर भी गाना प्रमोशन में नहीं था तो किसी को पता नहीं था। मेरे एक फैन चैनल था, किसी ने बना रखा था, उसमें करीबन 1.5 लाख लोग उसने जोड़ लिए थे। अच्छा। तो मैंने कहा कि यार मेरे वीडियो पे तो मेरे अपने चैनल पे कोई नहीं देखने वाला, मैंने कहा इसको दे देते हैं, इसके चैनल पे ज़्यादा लोग भी हैं शायद देख लेंगे। तो उसने बोला यूट्यूब पे तो इतने लंबे वीडियोस पे कोई प्रमोशन लगता है, ये लगता है, वो लगता है। मैंने कहा यार 5,000 रुपये ले ले और ये डाल दे। तो उस 5,000 में से पता नहीं कितने उसने जेब में डाले होंगे और कितने उसने एडवर्ट में डाले होंगे, बट उस गाने से जो उसको आए होंगे। पर हाँ, उस गाने से उसको भी बहुत फ़ायदा हुआ। लेकिन पर्सनली मेरा जो एक भ्रम था कि प्रमोशन चाहिए और चकाचौन चाहिए एक आर्टिस्ट बनने के लिए, वो भ्रम टूट गया मेरा उस वक्त। yes. क्योंकि एक ऐसी चीज आई जो इट केम फ्रॉम नोवेयर, उसमें हम मेरे दिल को पता है कि मैंने उसको किस तरह से डाला है और किस तरह से जस्ट डाल दिया, मतलब ऐसी जस्ट लाइक दैट, और वो कैसे वायरल हुई और किस तरह से, मतलब स्क्रॉल करो हर तीसरी चौथी भी दिल कदर एक लड़का बैठा, अरे भाई कौन, हर बार वही आया जाए, मतलब क्या वायरल हुई वो। आपने अभी कहा कि बहुत सारे लोगों ने आपको ये कहा कि यार प्रमोशन लगेगा जब तक कोई बड़ा आदमी आपको लॉन्च नहीं करता, वो टाइम चेंज हुआ है, आप मानते हैं? पहले यार आपको बहुत लोग चाहिए होते थे कुछ भी प्रमोट करने के लिए, कुछ भी रिलीज़ करने के लिए, वीडियो भी महंगी होती थी। आज अभी एक ऐसा आप वीडियो बनाओगे, उसमें आपने थोड़ी सी अपनी आंखें मटका दी और नेक्स्ट थ्री करके डाल दियो, हो गया, सडनली हो गया, नेक्स्ट डे आपको लगता है तो एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट इट, आपको लगता है कि वाओ दिस इज द रीच। इंटरनेट अगर एक अच्छी चीज़ है तो वो एक बुरी चीज़ भी है। वो अगेन इट कम्स बैक टू अस कि हमारा पर्सपेक्टिव क्या है उसको लेके, अगर हम उसे वैसे देखेंगे तो वैसा है। मुंबई के बारे में आपके क्या ख्याल है, रह पाते हो मुंबई में? बिकॉज आपका काम ऐसा है कि मुंबई में रहना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, मीटिंग्स करनी पड़ेगी, बट वॉट यू थिंक अबाउट मुंबई? बिकॉज अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी ऐसा लगा नहीं था लेकिन अभी मेरे को बहुत कंजेस्टेड लगने लगा है मुंबई। हाँ जी बिल्कुल, मुंबई कंजेस्टेड है और यहाँ 10-15 मीटर के ऊपर आगे हम देख नहीं पाते, चाहे हम गाड़ी चला रहे हैं, बिल्डिंग से नीचे उतर रहे हैं, और इंसान अगर दूर तक नहीं देखेगा तो दूर तक सोचेगा कैसे। सही कहा। तो पहाड़ों में रह करके मुझे यही समझ में आया कि वहाँ पे आप जब पहाड़ के ऊपर खड़े होते हो आप कितना दूर तक देख सकते हो, और जितना दूर तक आप सोचते हो आपका माइंड भी वैसे ओपन होने लगता है, आपकी दृष्टि खुलने चलने लगती है और आपको सोच में आपके दूर दूर की सोचने लगते हैं आप। और कलाकार के लिए तो सबसे ज़रूरी है दूर तक सोच पाना, वहाँ तक सोच पाना जहाँ तक कोई और सोच नहीं पाए, वहीं पर आर्ट बनती है। सो बॉम्बे मुझे ठीक है, कर्म भूमि है तो कर्म कर रहे हैं आके, बट धर्म भूमि अपनी पहाड़ों की तरह है। तो काम खत्म होता आप निकल जाते हो? हाँ जी हाँ जी, मैं यहाँ आता हूँ, हफ्ता 10 दिन रहता हूँ, सारा काम उन 10 दिन में जितना रहता है कर लेता हूँ। मैं आप लोग को इनवाइट करना चाहता हूँ पहाड़ों में, आप लोग को आना चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम 1 वीक तो आपने मेरे साथ आकर के रहना चाहिए, आप लोग को बहुत मजा आएगा कसम से। मुझे लगता है एक पॉडकास्ट वहाँ पे कुछ पहाड़ों के साथ ऐसा बैठ के कमाल हो जाएगा यार। सीरियसली मतलब हम तो इतना ज्यादा क्रेव करते हैं ना पहाड़, हम सबको पूछते हैं, जैसे को हमारे एक दोस्त है धर्मेश भाई डी, क्या बात है, वो गोवा चले गए, वो गोवा में उन्होंने शैक वैक अपना करके, और मेरे को इतना अच्छा लगता है, मैंने बोला भाई आप में हिम्मत है, आप में हिम्मत है टू से करोड़ ऑफ रुपीज को मना करना, उसने मना किया और अपनी लाइफ जी रहा है, बहुत अच्छी, हमें शायद नहीं है वो हिम्मत, बिकॉज परिवार है, बच्चे हैं, यू नो अकेला आदमी होता है तो आदमी अपना डिसीजन ले सकता है, बट राइट नाउ आपको पूरे परिवार के डिसीजन लेने पड़ते हैं। भाई आप शादी कब करोगे? पूछना मैं इससे पहले कुछ शादी करोगे ना? करनी है ना? पूछा है कि सवाल मारा है तूने? नहीं नहीं मैं पूछ रहा हूँ, शादी करनी है और उधर ही करनी पहाड़ में, क्योंकि हमने उधर आना है, इधर नहीं, इधर जगह नहीं होगी, गेस्ट भी नहीं आ पाएंगे। शादी भी करूंगा और लड़की भी पहाड़ से होगी। क्या बात है, एदा मतलब मुंडे ने कुड़ी लब ली हुई है, वो शायद वो नहीं दसेगा, पर जब पहाड़ में जाएंगे तो हम पूछ देंगे, बट हमारी पूरी ब्लेसिंग और शुभकामनाएं भाई कि बहुत अच्छी लड़की हो, क्योंकि आप बहुत अच्छे हो, और जो बीवी बनेगी हर्ष उसके तो मजे, नाराज होगी ना रे, गिटार पकड़ी और मना लिया यार। जैसे मेरा, मैं नाराज होती तो ये लैपटॉप देख के लिखने लग जाता है, राइटर है। लिखता क्या हूं, कभी पढ़ना मत। लेकिन सच में अच्छा, घर में कभी जब आप इकट्ठे होते हो रिलेटिव सब, फेस्टिवल या कोई फंक्शन, तो बोलते हैं जुबीन यार गिटार ला भाई सुना कुछ, ऐसा होता है? ये तो बचपन से, तो जब आप बचपन में क्या होता है कि आपका मन हो ना हो, हाँ, नाचना ही पड़ता था। जूनियर कलाकार हो और घर में मेहमान आए हैं,
खाने पे मैं भी नाची हूं एक परफॉर्मेंस जरूर होती है ड्राइंग रूम में कोने में खड़े करके वो बहुत बार हुई है मेरे साथ भी काफी बार गाना तो सुनाना पड़ता है प्यार का नगमा है मौजों की वाली है दो तीन गाने थे जो याद करे क्योंकि उस महफिल में थोड़े चाचा दादी ऐसे एक प्यार तो वो खुश हो जाते उनके जमाने के ऐसे करते हैं ना और भाई एक और बात पूछनी मैंने जब आप लोग गाते हो करके और तब उस वक्त सबने ऐसे लाइट जगाई होती है और ये कर रहे होते हैं तो ये आप लोग कहते हो कि खुद ही कर लेते हैं कि कभी हम लोग कहते हैं कभी लोग खुद कर लेते हैं ज्यादातर कहना पड़ता है पर वो एक मोमेंट होता है क्योंकि जब ऑनेस्टली उस वक्त सारी लाइटें और बंद कर देते हैं हम लोग तो सिर्फ जितने भी लोग हैं सबकी टॉर्चेज ऑन होती है उस वक्त पूरी अरीना को ना एक फील होता है कि हम सब एक हैं मतलब वो एक ऐसी एक्सपीरियंस है गाने के बीच में जिससे और उस वक्त मैं यूजुअली गाना गाता हूँ जिंदगी कुछ तो बता बजरंगी भाईजान का तो वो एक फीलिंग क्रिएट करता है और आपको पता है आपने वो गाने गाए हैं जो कल को हमको जब गाने बनाने होते हैं हमको किसी को रेफरेंस देना होता है तो हम वो गाने देते हैं अरे क्या बात है बहुत लोग बोलते हैं कि म्यूजिक के ट्रेंड चेंज होते हैं जी मेरे को कभी समझ नहीं आया जी मुझे कभी नहीं समझ आया कि भाई अभी ना ये टाइप के गाने चल रहे हैं मैंने नहीं ये टाइप के गाने तो इससे पहले भी आए थे क्योंकि गाने गाने हैं बट क्या आपको लगता है कि ट्रेंड चेंज होते हैं और आपको ट्रेंड के हिसाब से गाने बनाने चाहिए ट्रेंड के साथ चेंज होना थोड़ा ना कलाकार का काम है कलाकार का तो काम है हर बार कुछ नया बनाना और ट्रेंड बनाना दैट्स व्हाट क्रिएटिविटी इज पर हाँ ठीक है ट्रेंड बदलता है फैशन है कभी कभी बेल बॉटम्स आते हैं फिर स्लिम फिट्स आती हैं फिर वो तो चलता रहेगा बट कलाकार का काम है इसके ऊपर सोचना और बार बार बनाना देखिए या तो आप इम्प्रेस करने के लिए बना रहे हो या एक्सप्रेस करने के लिए बना रहे हो और इसमें पूरी दुनिया है कलाकार की या तो आप उसके लिए बना रहे हो आप खुद के लिए बना रहे हो ऐसा यस मुझे लगता है भाई जब आप गाने बनाते होंगे और उसका वीडियो बनता होगा तो डायरेक्टर पहले कहता होगा भाई आप ही हो हीरो क्योंकि इतना हैंडसम लड़का गाना गाए और सामने कोई और कैसे गा ले और वो भी उससे छोटी हाइट का नाच रहा हो ऐसे नहीं हो सकता अभी मैं गाने नहीं बताऊंगा लेकिन कुछ गाने जिसमें लंबा लड़का जोड़ के छोटी हाइट वाले नाच रहे हैं अब हम भी नहीं बताएंगे गाइस आप प्लीज इनके गाने सर्च करके देख लीजिए लेकिन मुझे लगता है कि आप खुद इतने हीरो जैसे दिखते हो तो आप खुद क्यों नहीं अपने गानों में आते पहले छोटे वाले क्यों ले रही है और आपको कभी बुलाया किसी ने मतलब ऐसे बोला कि आप एक्टिंग करिए भाई एक्टिंग के लिए बोला मुझे और मैं कर भी लेता हूँ एक्टिंग अगर व्हेन इट कम्स टू इट थोड़ा मेहनत लगती है बट कर लेता हूँ पर फिर मिक्स मार्शल आर्टिस्ट भी बन सकता था ना शूटिंग चैंपियन भी बन सकता था MBA करके बिजनेस भी कर सकता था बहुत कुछ कर सकता था फिर तो लगता है ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं फेमस हूँ नहीं हूँ कल गाने चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं कल को क्या उम्र है गला चल रहा है नहीं चल रहा है मुझे लगता है मैं ये कर सकता हूँ लाइफ लॉन्ग और खुश रह सकता हूँ ये करते करते इसलिए आई वांट टू डू दिस ये जो सेटिस्फेक्शन है आप में जो शांति है चिल है वो सक्सेस के बाद आया है या पहले से ही आप ऐसे ही शांत थे भाई मैं तो था ही ऐसा मैंने कभी हाँ मैंने कभी वो भी नहीं करते देखा भाई आपको मैं एक दो शो करती थी होस्ट टीवी पे ये उसमें भी आए थे सीरियस ही हाँ मतलब आप जो होते हैं ना सिंगर वो चिंगारियों वाले आप वो नहीं हो ना मुझे पता ही नहीं था कि मैं मतलब आपके शो में क्या हो रहा होता था मैं लॉकडाउन से आया था बिल्कुल मुझे बोला था कि एक बहुत बड़ा शो है और ऐसे ऐसे करके वहाँ पर तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं वहां पहुंचा वहां पे पूरा सेट लगा हुआ है और फुल धमाल हो रखा है मैंने कहा भाई मेरे अंदर मैंने कहा एनर्जी नहीं है कि तो मेरे अंदर हमने कहा जुबीन यार बाल ऐसे वाला लड़का वो तो ना चिंगारी निकालता ही आता है गिटार से हमको आप बड़े सिंपल सादे नहीं बट आपके साथ वो हो गया बिकॉज़ आप लोग बहुत कंफर्टेबली आप लोग ने करवा दिया वरना मैं तो अब तो खुश होते हैं भाई करना चाह रहा था मैंने कहा भाई मैं कैसे कर पाऊंगा इतनी आपको हम बहुत कम रियलिटी शोज में देखते हैं कभी मतलब टीवी में कभी ऐसे कोई शोज में होते जैसे कुछ लोग को हम देखते हैं कि अरे जज बन गए होस्ट बन गए या एवी आ गए आप बहुत कम आते हो शायद एक ही बार देखा है मैंने जब हमारे बताने के बड़ी रिक्वेस्ट करके लाए होंगे आप आते क्यों नहीं कौन है आपका मैनेजर लाते क्यों नहीं इनको पता नहीं मन नहीं करता जितना रियल हो ना उतना बढ़िया है फिर बात भी कर पाते हैं अभी हम लोग बैठे हैं रियल बात कर रहे हैं बिल्कुल तो बात भी हो पा रही है वहाँ पर फिर मैं थोड़ा सा उसमें चले जाती है दुनिया थोड़ी सी ये बात तो है कि टीवी में यू कांट बी योरसेल्फ
कुछ ही लोग हैं जैसे ये ना, इसको कोई बदल नहीं सकता है, लेकिन हमको तो पूरा बोल के नहीं, हर्ष यू कांट से दिस, यू कांट, बट दैट इज आल्सो द रीजन ऑफ सक्सेस, यू नो, क्योंकि आप इतने रियल हो तो पीपल लव यू फॉर योर रियलिटी. आप कितने समय तक आप यू कैन बी समवन. मैं ये एक आर्टिस्ट ही समझ सकता है इनकी बात, जो कह रहे थे ना कि इतने लोग थे, और जब मैं एक सच में भगवान दर्शन देता है जब आप परफॉर्म करते हो ना हर्ष, पता नहीं मैं इनको क्यों बोल रही हूँ, तो एक्सपीरियंस वाले, जब मैं परफॉर्म करती हूँ और सामने से वही लाफ्टर आता है ना, तो सच में ऐसे लगता है कि मेरे को दुनिया नहीं दिखती, मेरे को ऐसे लगता है भगवान खुश हो गया. अगर आप कुछ बोल रहे हो ऐसे लगता कि भाई, मतलब वो मजा आता ना, तब आप हर चीज भूले होते हो, घर, पैसा, आपको क्या मिल रहा है, कितनी देर परफॉर्म करना है, आपने क्या करना है. सही बात है ना भाई, तब आपकी टीम कह रही थी क्या, तब आपको लगता है नहीं यार ये गाना मेरा बनता है. बहुत सही बोला है ना, जब मेरी भी टीम कह रही होती लोग बोल रहे टाइम खत्म हो गया, मैंने बोला नहीं मेरा ये जॉब रहता है, मुझे इसके साथ डांस करना है, तो मैं करके ही आती हूँ फिर भी. तो तब आपका भी मन होता ना हाइप पे के ये गाऊंगा ही, तब वो कह रही होती है. नहीं, आए दिन एवरी शो में टाइम खत्म हो जाता है शो का, मतलब हम लोग का 90 मिनट्स का परफॉर्मेंस बोलते हैं हम लोग, बट इवेंचुअली 2 से 2.5 घंटा शो है. क्योंकि रॉकी भाई मेरे जो भाई हैं, मैनेजर भी हैं, भाई भी हैं, तो वो बोलते हैं हाँ करेक्ट, करो खत्म, पैसा आ गया, यू नो, टाइम ओवर. मैंने कहा नहीं 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 यार, थोड़ा तो अभी तो गर्म हुआ है. क्योंकि मैनेजर लोग का काम होता है इशारा करना कि आधा पहले एडवांस पाया, आधा परफॉर्मेंस से पहले होता एयरपोर्ट, मैं करके निकलूंगी, मेरे को ऐसे होता है. वो टाइम, वो एंड वाला टाइम बड़ा मजेदार टाइम होता है. जनता तो भगवान ही है, मतलब हमारे लिए तो. और एक कहावत है कि जब एक आर्टिस्ट को जिस दिन ताली लग जाती ना पहली बार, उसके बाद उसको नशा लग जाता है उसका, फिर उसको चाहिए बार बार ताली बहुत बड़ा स्टेज चाहिए, कुछ भी हो जाए बस चाहिए. ये तो सही कहा यार कि ताली जो है वो बहुत बड़ा नशा, बहुत बड़ा नशा. भाई कोई ऐसा टाइम जब आपको ऐसा लगा कि नहीं यार अब मुझे चेंज होना है, बिकॉज हर बार जरूरी नहीं है ना कि आज तो ऑब्वियसली आपने प्रूव कर दिया है अपना काम कि भाई आपका काम डंके की चोट पर है, लेकिन कभी ना कभी तो ऐसा हुआ होगा जब आपको बोला होगा कि भाई ये स्टाइल छोड़ दो, ये स्टाइल करो, ऐसा कभी लाइफ में आया? अभी पिछले 3-4 साल में एक बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस के सॉन्ग्स करे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस के गाने बनाए हैं, और वो भी करना चाहता हूँ. और लेकिन उसके अलावा मैं अब अपना खुद के म्यूज़िक बनाना चाहता हूँ, अपने खुद के गाने करना चाहता हूँ. तो फर्स्ट टाइम मैंने अभी एक एल्बम निकाली है तुम आए हो तो करके, उसमें 6 गाने हैं और अपने खुद के चैनल में निकाले हैं, इसमें कोई लेबल भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है. सो वो जो एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की जर्नी है उसको इन्जॉय करने का वक्त आ गया मेरे लिए. भाई वो गाना जब भी आए आप बोलना, हम रील बनाएंगे उस पे, नाच नाच के अपने पैर दुखा देंगे है ना. नहीं, एल्बम पूरी एल्बम रिलीज हो गई, अभी मैं उसी के गाने आप लोग के लिए. अरे वाह, चलो भाई, तबला, गिटार बुला लो सब भाई प्लीज, एक बिल्कुल दो, वाह डन. चलिए आपको मैं एक गाना सुनाता हूँ, आज ही रिलीज हुआ. अरे वाह, तो बहुत अनयूजुअल सा गाना है, गाने का नाम है तुम आए हो तो, ये टाइटल सॉन्ग भी है एल्बम का. क्या बात, और ये गाना नहीं है, एक एहसास है, आप लोग के साथ शेयर करता हूं. तुम आए हो तो यूं लगता है के आई है फिर जिंदगी, से तो है खामोशी महफिल कैसे यहां फिर शुरू हुई, क्यों ये समां बदल सा गया है, एहसास भी है. तुम आए हो तो यूं लगता है सांसें ले आई फिर जिंदगी.
वेरी डिफरेंट. क्या बात है, अमेजिंग यार, अमेजिंग. थैंक यू. ये गाना सुन के ना एकदम मिट्टी की खुशबू आने लग गई. हाँ, मतलब मुझे लगता है आज सारे गाने रेफरेंसेस पे बनते हैं. एक गाना भेजा जाता है, फिर बोला जाता है ऐसा बना दो कुछ. सही कहा. ये तो भानने वाली बात है कलाकार को यार. कलाकार का काम है नए गाने बनाना, नई फ्रेश चीज़ें करना, नया. तब तो कुछ मज़ा भी आएगा, फिर आपका मन भी करेगा इसे बार बार सुनने का. अगर हज़ार बार आप उस चीज़ को पहले सुन चुके हो, उस रंग को, तो फिर उस रंग को आप हज़ार बार और कैसे सुनोगे. ये व्यापारियों वाली बात है ये तो, कि भाई ये इसने 2 करोड़ रुपया कमाए गाने में, ऐसा कर दे मेरे को 1.5 तो आ ही जाए. जी बिल्कुल. अच्छा, ऐसे भी बोलते कि ऐसा बना दो. मुझे लगता है रेफरेंसेस का बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा काम है, और सिर्फ म्यूजिक में नहीं है, तो हर चीज़ में ही है अभी रेफरेंस, हर जगह. तो कितने लोग कहते हैं कि आप रिक्रिएशन करते हो. यार एटलीस्ट मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ किसी गाने को जो मुझे पसंद है, राधा दन में उसका कुछ अंग उठा करके, उसके कुछ तोड़ मोड़ करके, मिला मुलू करके, उसको कुछ नया गाना बना करके कोशिश करूँ. सो जब मैंने रिक्रिएशन करी तो मैंने डंके के चोट पे करी. और अभी मैं ओरिजिनल म्यूजिक बना रहा हूँ तो डंके के चोट पे बना रहा हूँ. वेरी गुड. मैंने डिवोशनल गाने करे तो मैंने, तो इसलिए शायद जब रियली रियलिटी के साथ, अपनी सच्चाई के साथ कुछ भी करता हूँ, फिर वो टाइम और प्लेन की बात नहीं होती, फिर मार्केट की बात नहीं होती, वो तो दिल की बात है. आपने बहुत सही बात बोली कि रिक्रिएशन पे लोग बहुत बोलते थे, अब तो खैर नहीं बोलते, बट इनिशियली है ना, इनिशियली अरे भाई ये तो पुरानी चीज को वापस लेके आए. आई फील के नई यंग जनरेशन ये गाना सुनेगी ही नहीं जी, जब तक आप उनको उनकी भाषा में नहीं समझाओगे. तो उसको सेलिब्रेट करना, वो ये है ना रिस्टोरेशन. और ये मैंने रियलाइज करा, मेरा भांजा है 7 साल का, बहन का बेटा, तो मैं मामू जान बोलता हूँ उनको. जब हमने एक रिक्रिएशन करना शुरू करा, तो ऐसे बहुत सारे गाने थे, कल्ट गाने थे, जो शायद वो कभी सुनता नहीं, जैसा आपने बोला. पर ये इस करके वो फिर उसको सुनने लग गया, एंजॉय करने लग गया. वो रिच मेलेडीज है, रिच जिसे बोलते हैं ना, देखिए प्रोडक्शन बदलता है फैशन की तरह. प्रोडक्शन इज लाइक कपड़े, इंसान थोड़ा बदल जाता है. तो गाना जो होता है, एक इंसान होता है, जो धुन होती है उसकी, उसके अंदर एक रियलिटी होती है, वो जितना लंबी चलेगी उतना बढ़िया. आपको कौन से म्यूजिक डायरेक्टर सबसे लेजेंड लगते हैं? जो लोग ने बनाए हैं गाने, मतलब 80s 90s में जो हुआ है म्यूजिक, वो बहुत ओरिजिनल म्यूजिक था यार. और उसमें बहुत कुछ तो ऐसी बात थी ना कि आज भी लोग इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं उसको. तो ऐसी धुनें हैं, मतलब जो जिनके साथ शब्द चिपके हुए हैं, और ऐसा हो रहा है कि वो धुन जैसी आती है, शब्द आपको याद नहीं है गाना, लेकिन शब्द अपने आप जबान पे आने लगेंगे, कुछ आपकी मसल मेमोरी में कहीं ना कहीं वो गाने बसे हुए. तो वो जितने भी मुझे लगता है 80s के कंपोजर्स थे, उन्होंने फिनोमिनल वर्क करा. 80s में इलिया राजा ने जो गाने दिए हैं, उनसे बेटर आई थिंक, मतलब मेरे को, मैं कसम से बताऊं, मैं जब भी किसी म्यूजिक रिलेटेड इंसान से मिलता हूं ना, मैं उनसे ये जरूर कहता हूं कि मेरे को इलिया राजा बड़े पसंद है. जी जी बिल्कुल, क्या बात. सदमा के जिन्होंने गाने बनाए हैं, कितनी अच्छी बात है. जितने बड़े कलाकार होते हैं जिन्होंने ऐसा काम करा है जो सदियों तक चला है, वो कहते हैं कि ऊपर से आता है. हाँ, सब ही कहते हैं. हमने नहीं बनाया ये तो ऊपर से कहीं से आ गया, हमने तो सिर्फ और शायद इसीलिए ऊपर वाला उन्हें ही दे रहा है. जी जी बिल्कुल. कि यार तुम, क्योंकि सच्चाई है कि उस, मेरा भी मानना है कि आता है. हाँ. वो एक मोमेंट होता है, वो एक टाइमिंग होती है ना. और वो हर आर्टिस्ट के साथ होती है, हर लेवल पे आप. राइट. यस यस. जैसे मैं, मेरा और भारती का ना काम ऑलमोस्ट सिमिलर है. मैं पहले सोचता हूँ, फिर लिखता हूँ, फिर बोलता हूँ. ये डायरेक्ट बोल जी बिल्कुल. तो मैं इसको बहुत बार पूछा कि यार तू कैसे कर लेती है भारती, क्योंकि क्या सोचती है, फ्रेजिंग बनाती है पंच की, क्योंकि पंच फ्रेजिंग ही आपको हंसाती है, कैसे करती है भारती. कहती है हर्ष पता नहीं मैनू ऐदा आंदा, फिर मैं बोल लेंदी. तो मैं कैसे आता है, तो क्योंकि ये राइटर है ना, ये पहले ये सोचेगा, फिर ये एडिट करेगा पहले, फिर सोचेगा, फिर उसका फील भी सोचेगा कि उसको क्या लगेगा. मैं तो आया हूँ, बोल दिया. ऐसे भी कलाकारों को जानता हूँ जो घंटों बैठे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा. सही कहा. और ऐसे भी कलाकार हैं जो बैठे भी नहीं गाना बनाने, हाँ. गाना बना दिया. सही कहा. तो आ ही रहा है मतलब. तो आप जब बॉम्बे आते हो, तो आपको बॉम्बे में ज्यादा दिमाग में गाने आते हैं या अपने पहाड़ों में? तो दिमाग में नहीं आते गाने, बहुत ही. हाँ, रिकॉर्डिंग कर लो ठीक है, सेशंस कर लो, मीटिंग कर लो, नेटवर्किंग कर लो, ये सब सही है. बट जो क्रिएटिव काम है वो मुझे लगता है कि उसके लिए. आप घर में किससे डरते हो, मम्मी से कि डैडी से या बहनों से? बड़ी बहन है ना. हाँ जी, हाँ जी. तो माँ से, माँ का कंट्रोल भाई घर पे बिल्कुल हमारे. जी जी बिल्कुल. क्योंकि माँ का लाडला ना, इकलौता बेटा,
मम्मी का, मम्मी कुछ काम करने कभी बतला एक गाना गाया था मैंने माँ के लिए, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। आह आपने सुना होगा। सुना, इतना सुना है काली रात भाई, मैंने पूरा सुना है। अगर आप चाहो ना, इसको मैं मोनेटाइज नहीं करूंगा, इस वीडियो को हम सारे गाने गा सकते हैं। अरे क्या बात, जरूरी नहीं कि आप मोनेटाइज कर। हां भाई, हां मतलब अगर, बिकॉज़ मैंने ये, बिकॉज़ एंड ऑफ द डे हम कहां राइट्स लेने आपको सुनना है, हम कहां, हम कहां पैसों के लिए, पैसों के लिए राइट्स के जैसा जैसा भी आप, प्लीज प्लीज भाई, मेरी तो पहले डिमांड है कि दिल का दरिया। हां क्या बात, वक्त ने है किया हम पे कैसा सितम, तुम भी बेजार हो बर्बाद है, जाने किस रास्ते मुझको ले जाएंगे, बेदिशा मेरे डगमगाते दिल का दरिया बह ही गया, राह में जो तू मिल गया, मुश्किल से मैं संभला था, टूट गया फिर एक दफा, बात बिगड़ी तेरे बिन न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहे और हम, तेरे साथ जाएंगे खत्म, हाँ है तुझे कितना चाहे और हम। ओह क्या बात है यार, क्या बात है आपकी आवाज में कि आंसू आ ही गए, वरना गाना सुन के मैं कभी नहीं रोती। लाइव सुना भाई मैंने, ये रील मैंने बहुत देखी है, ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग रील है। सच में ऐसे लग रहा था कि कुछ नहीं है, सिर्फ गाना सुनते जाए। इनको लगता है कि इनको किडनैप करके ले जाए पहाड़ों में, नहीं कमरे में बंद कर दे। मैं बोल रहा हूँ मना के लेके जाएंगे, मना के लेके जाएंगे। मैं सच में क्या, मैं और होना चाहती हूँ भाई, मुझे और गाने सुनाओ, मुझे मेरे घर राम आए हैं। और नहीं भाई, आप अपना फेवरेट, हाँ, कोई जो आपको लगे कि पहले मुझे मेरे गोले, मेरे बेटे का फेवरेट सुनना है, मेरे घर राम। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए, कथा शबरी के जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज धोने दो चरण आंखों के पानी से, बहुत खुश है मेरे आंसू के प्रभु के काम आए, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए। मैं कभी सोचा भी नहीं था कि ये भजन मैं लाइव आपसे सुनूंगी। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। दिस इज डेडिकेटेड टू द इतनी मॉर्निंग इतनी अच्छी बनाने के लिए हमारी, क्योंकि मॉर्निंग में अक्सर सुनते हैं, और तब गोला नया नया पैदा हुआ था, तो हमारे मन में भी ये था कि हमारे घर राम आए। क्या बात है, तो मैं जब भी सुनता था ना, तो मेरे को यही होता था कि ऑफिस से घर जा रहा हूँ ना, तो ये गाना सुनता था कि घर पे वो गोला मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये इतना मतलब गोला, दिस सॉन्ग इज फॉर यू, यू स्वीट एंजल। सच में यार, यार आज तो जाने नहीं देना भाई, मैं तो कहती लॉक कर दो,
इनके जो मैनेजर मुझे ना, इनके डंडा मारो सर पे, इनको सबको बेहोश कर दो और सब यार भाई मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं और हर्ष जल्दी पहाड़ों में आके आपसे ये लाइव सुनेंगे, तब कोई चौथा पांचवा बंदा ना हो, आप अपने गाने गाना और हम सिर्फ सुनेंगे। ये कितना सच्चाई है। उसे सत्संग कहते हैं भाई, उसे सत्संग कहते हैं, जब कोई दिल से ईमानदारी से गा रहा हो और सामने वाला वो कनेक्ट कर रहा है ना, दिस इज ए सत्संग। जब आप सामने कोई गुरुजी आपको बोलते हैं और आप कहते हैं वाह वाह उनकी बात समझ आई, तो सत्संग होता है। तो हम ये सत्संग जरूर करना चाहते हैं भाई। आप बिल्कुल, आपको आना है और आपने आपको मसूरी में हम लोग बैठेंगे कहीं पर पहाड़ों में ऐसा, और मैं आप लोग को कुछ सुनाऊंगा। वहाँ और भी बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं साथ में, मैं आप लोग को बिल्कुल 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 बिल्कुल, और मैं भी फिर कॉमेडी करूंगी बस के रोने के बाद। सच में सॉरी भाई, मैं रो पड़ी, मैं ना बड़ी इमोशनल हूँ। अरे क्या बात, मैं सच में, क्योंकि जो गाने मुझे ऐसे लगता है दिल का दरिया जो गाया, मुझे ऐसे लगता है हर्ष के साथ मेरा बड़ा रिलेट करता है। इसके जो वर्ड्स है कि बात बिगड़ी है, मतलब वो मुझे ऐसे लगता है कि जो प्यार करते हैं ना वो ही जानते हैं। करेक्ट, है ना? करेक्ट। और सच में आपके दोनों गाने मुझे लगता है कि मेरे लिए है, एक तो ये दिल का दरिया, दूसरा मेरे घर राम आए, वाकई मेरे घर राम ही आए हैं। जी जी बिल्कुल भाई, थैंक यू सो मच। अभी खत्म नहीं हुआ है, और एक दो गाने सुनेंगे जी जी। लेकिन बहुत 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 थैंक यू आने के लिए, और हमको बहुत बहुत टाइम से आपके साथ बैठना था, सुनना था, बताना था कि हम आपको कितना पसंद करते हैं। बहुत प्यार करते हैं भाई, आपको बहुत पसंद करते हैं, और वो प्यार ना मेरे को ऐसा लगा कि ये छोटा सा 6-7 महीने का बच्चा ऐसे रुक गया तो हम भी रुक गए, और आप मतलब आप मुझे अच्छे लगते थे, आपके गाने बहुत अच्छे, लेकिन पिछले 1.5 साल से ना भाई आप हमारी फैमिली के मेंबर हो। क्या बात है, जैसे जया किशोरी जी सुबह आती है ना, आप भी सुबह होते ही हो, मॉर्निंग में मैं जैसे सबसे मिलती हूँ, हर्ष से, आपसे भी मिलती हूँ सुबह। क्या बात, थैंक यू, है ना। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये काफी महीने पहले का वीडियो है जी। क्या बात, बहुत महीने पहले का वीडियो है भाई। कैसे बैठा जो एंजॉय कर वो बहुत, दिस इज द ब्लेसिंग, मतलब ना ये तो आत्मा की बात है यार। सीरियसली भाई, शादी की बात बीच में कहीं खो गई, आप शादी करना तो चाहते हो? जी। सो कैसी एक पार्टनर देख रहे हैं आप? घरेलू भाई, मैं सिंपल आदमी हूँ, सिंपल लड़की चाहिए मेरे को, मतलब तो इसमें काफ़ी माइंड फिक्स्ड है कि अपना देहरादून पहाड़ की तरफ से ही, उत्तराखंड की तरफ से ही कभी सोचूंगा मैं, अगर सोचा तो। अभी यह है कि लाइफ इतनी तेज़ भाग रही है, तो अगर इस लाइफ में जुड़ने के लिए ना, फिर मुझे पार्टनर इंडस्ट्री से देखना पड़ेगा। सही कहा, तो शायद ढल पाएगी, लेकिन अपने शहर से लड़की एकदम से इसमें नहीं ढल पाएगी, तो अब थोड़ा स्टेबिलिटी क्रिएट करके तब सोचेंगे। शादी तो भाई हो ही जानी है, आप 35 के हो तो लड़की 32 की, आप 40 हो तो लड़की 38 की, शादी हो ही जानी। आप अभी अपने काम में फोकस करो भाई, आप नए नए गाने बनाओ, हम बाहें खोल के आपके गानों का स्वागत कर रहे हैं, हम क्या पूरी दुनिया कर रही है, क्योंकि जो दिल से और खुद से बनाई चीज होती है ना, उस पर कॉन्फिडेंस ही बहुत होता है। 100% और हम आपका दिमाग सुनना चाहते हैं, हम आपके सुर सुनना चाहते हैं, बिकॉज उसमें है कोई बात, उसमें है यार, मतलब एक तो बिना कमर्शियल सोच के, बिना कोई भी किसी का इन्फ्लुएंस लिए आप एक गाना बना रहे हो। आज के टाइम में आप जैसे बड़े सिंगर ही ये हिम्मत कर सकते हैं जी, और आई थिंक बहुत काबिले तारीफ है कि आप वो हिम्मत कर रहे हो यार। हाँ जी, हाँ जी भाई, देखिए खोना बहुत आसान है, भीड़ है, इतनी बड़ी भीड़ में खोना बहुत आसान है, तो एक कलाकार को, जो जितना मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया उसमें ये है कि कलाकार को अगर भीड़ में नहीं खोना चाहता कलाकार, तो उसको अपने अंदर झांकना है, बाहर नहीं झांकना। हम लोग क्या हो गया, सोशल मीडिया की दुनिया में अभी कलाकार उसी में रह गया, मतलब उसी से सीख रहा है, उसी से देख रहा है, उसी से समझ रहा है, तो वो करते अच्छी चीज़ है, सोशल मीडिया बहुत सिखाती है, इंटरनेट बहुत सिखाता है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाता है, लेकिन जब आप कला का काम कर रहे हो उस वक्त तो अंदर जाना पड़ेगा, उस वक्त बाहर नहीं जाना पड़ेगा, तभी कुछ बात बनेगी। तो वो पहाड़ों ने सिखा दिया मुझे, तो मैंने कहा आपके माध्यम से मुझे लगता कि अभी बातें नहीं करनी चाहिए, गाना गाने जिंग जिंग हो जाना चाहिए, जिंग 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 जिंग। मैं आपको एक और गाना सुनाता हूँ। यस प्लीज। हम्म,
सो ये जो गाना है ये मैं आप लोग को डेडिकेट करना चाहूंगा, ये लवर्स के लिए गाना है, मतलब वाह बोलते हैं हमको तुमसे प्यार है कितना कैसे हम समझाएंगे सिमटे हुए से ये मेरे राधे तुमको सदा ही चाहेंगे क्या रखा है और इस दिल कैसे बतलाएंगे दिल को चीर के अपना दिखा दे तुम जो कहो मर जाएंगे हमको तुमसे प्यार है कितना कैसे हम समझाएंगे क्या बात है। तो इसमें गजलाना एक फील है गाने में ना, गजल वाली बात है। पूरी एल्बम में डिफरेंट 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 टाइप ऑफ पूरी एल्बम में अलग अलग गाने हैं, ये गाना है, एक तुम आए हो तो गाना है, सारे गाने का फ्लेवर एक गाने से अलग है, ये उससे अलग है कुछ। कब आ रहे भाई? ये कल ही परसों ही रिलीज हुई है एल्बम। अच्छा, आ चुके हैं दोस्तों। चुके हैं तो एल्बम का नाम है तुम आए हो तो। तुम आए हो तो हम नीचे लिंक लगा देंगे। जी हाँ बिल्कुल, इनका जो गाने हैं उसका सब लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, किसी को ना मिले तो हमारा लिंक खोलो और दबाओ और सारे गाने सुन लो। क्या बात है यार जुबिन भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यार, सीरियसली। अपने मम्मी डैडी को पहले तो आपके मम्मी डैडी को हाथ जोड़ के नमस्कार कि इतना अच्छे संस्कार वाला बच्चा आज के जमाने में जो काम करता है और वापस घर चला जाता है, जो काम करता है वापस घर चला जाता है। मेरी मम्मी पापा दोनों बहुत बड़े फैन हैं आप। अरे हेलो आंटी, हेलो अंकल, हम आ रहे हैं बहुत जल्दी, आपने बुलाया नहीं लेकिन आपके बेटे ने बुला लिया है, हम जरूर आएंगे। और हाँ जी जी आंटी, हाँ हाँ, खाना आप ही की घर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बहुत खुश हो जाएंगे। हाउ स्वीट, प्रॉमिस है जब भी आएंगे जरूर मिलेंगे। और अब तो आएंगे ही आएंगे। हाँ ना, और जनवरी में बर्फ पड़ेगी थोड़ा पहाड़ों में तो और मजा। जैन में आएंगे मेरे बर्थडे के टाइम पे। डन। आपका जन्मदिन कब है? 30 जनवरी। अच्छा ताकि वो केक भी इंतजाम रखे भाई। 30 जनवरी, लेट्स डू इट प्लीज, लेट्स प्लान। क्या अच्छा, हमारा बंदा कह रहा है मुझे भी लेके जाओ जो तुम्हें लेके गए और नीचे जो है सात बंदे वो। सो आज का पॉडकास्ट ऐसा मन कर रहा है कि बंद ही ना करे, और आज तो हमने दिल पे पत्थर रख के बोला भाई सारे गाने सुना दो, है ना, हम कॉपीराइट वाला हटा ही देंगे सिस्टम, हम मोनेटाइजेशन से ही हटा देंगे। यस, क्यों क्या काटोगे? यस, पैसे काटोगे? हमने लेने ही नहीं है, काट लो भाई पैसे, हमें लेने नहीं, हमें गाने सुनने हैं। अमेजिंग यार। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। जी हाँ, और जुबिन भाई की भी बहुत जल्दी आ चुकी है एल्बम भाई, 6-6, 7-7 गाने हैं, आप जाओ, हर गाना अलग है प्यार के लिए, हर किसी के लिए। पर पॉडकास्ट खत्म करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है जी, यार मम्मी वाला गाना तो सुनेंगे, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। उनकी टीम को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है लेकिन हम उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देंगे, वो ऐसे कर रहे हैं, मैं उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दूंगी। ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी, चरणों में झुके बादल तेरे, पर्वत पे लगे शैया तेरी, है काल रात्रि है कल्याणी तेरा जोड़ धरा, से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। ज़ुबिन भाई, we love you, thank you। Amazing यार, सच में मैं अपनी माँ, मतलब मैं माँ के जरिए सॉरी, मैं आपको इतनी ब्लेसिंग देती हूँ, आप हमेशा खुश
और हेल्दी रहो। अगर खुश और हेल्दी रहे तो गाने तो भाई बनते ही रहेंगे, है ना। अच्छा सुबीन भाई, एक बार पूछनी, जब आप शोज में जाते तो आप ही बाकी सिंगर किस तरह चिंगारियां निकालते हो गिटार से? नहीं नहीं, गिटार जल जाएगा मेरा। वो एक्चुअली वो शो वाले गिटार अलग अलग होते हैं ना, मतलब उस शो के लिए बना होता है वो, कि चिंगारी निकली वो बजता नहीं है वो गिटार। मैं नहीं, मेरा गिटार जल जाएगा। तो भाई जो ऊपर से उतरते हैं जला के नकली बनाए, उस लिए गिटार उसमें बजता नहीं है, वो बजाने वाला नहीं होता, दिखाने वाला होता है, दिखाने वाला गिटार है उसे। सॉरी गाइस, मैं आप लोगों का लेके चिंगारी लगाने लगी थी। सो जुबीन भाई के साथ इतना मजा आया, इतना मजा आया। होप सो जल्दी उनको फिर से बुलाएंगे। बुलाएंगे नहीं, अब तो हम आप जाएंगे। हाँ, मुझे लगता है वहां पर एक हम लोग को आगे का कुछ प्लान कर लेते हैं, क्योंकि वो पहाड़ी लड़की भी हमें वही मिलेगी जिसकी बात हो रही है, कि सीधी सी वहीं से लड़की होगी, उसी से मतलब होगी, मतलब हो गई भाई। तो ये जानने के लिए हम जनवरी में वहां जाएंगे और फिर हम अकेले में पॉडकास्ट करेंगे। हाँ यार, वो झूठ बोल रहा था उसकी। जुबीन भाई थैंक यू सो मच हमारे LOL पॉडकास्ट में आने के लिए। गाइज, आपको और भी क्या सुनना है, क्या देखना है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और पॉडकास्ट खत्म करने से पहले भारती में बता दूं, जुबीन भाई नहीं है, जुबीन भाई दिल से मैं अभी मुबीन भाई भी बोल देती ना, मुबीन भाई भी, लेकिन वो मैंने दिल से बोला है, समझे? मुबीन बोला भाई, बिल्कुल पंजाबी है ना, तो जुबीन का जुबीन हो जाता है हमारा। जुबीन का जुबीन नहीं, जुबीन का जुबीन है भाई, देना जुबिन भाई, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, दिस वाज जुबिन नौटियाल।